नमस्कार साथियों, आप सभी को पता है कि जो अभी एलपी का नोटिफिकेशन आया था, इसमें बताया जा रहा है कि जो एलपी की वैकेंसी थी 5,696 से बढ़कर 18,799 पहुंच चुकी है। उसी प्रकार अभी अभी टेक्नीशियन का भी नोटिफिकेशन आया है कि जिसमें जो टेक्नीशियन की वैकेंसी वो 9,000 से बढ़कर 30,000 पहुँच चुकी है। और ये कौन सा नोटिस है, इसके बारे में फेंक है या फिर सच्चाई है, इसके बारे में मैं टोटल डिटेल से आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो साथियों, चलते करते वीडियो को स्टार्ट। हेलो गाइस, मेरा नाम है योगेश प्रजापत और आपका हमारे स्टडी चैनल रेलवे स्टडी विद योगेश में स्वागत है। साथियों, आपको पता ही है कि आज की वीडियो में टेक्नीशियन की जो वैकेंसी बढ़ी है 9,000 से 30,000 हुई है, इसके बारे में हम टोटल डिटेल से आपको बताने वाला हूँ। और आपको पता ही है कि हमारे इस चैनल पर रेलवे से संबंधित यहाँ पर वीडियो अपलोड होती है, वो नोटिफिकेशन से संबंधित हो गया, वो पढ़ने से संबंधित हो गया, मॉक टेस्ट देने से संबंधित हो गया, मैं किस प्रकार से यहाँ पर पढ़ाई करता हूँ इससे संबंधित हो गया, सभी रेलवे के बारे में जानकारी इसी चैनल पर मिलती है। तो अगर आप रेलवे के स्टूडेंट हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब लीजिए। साथियों, चलते करते वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, ये जो टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन है, इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। ये देख लीजिए आप, ये टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन है और ये इसको यहाँ पे दिखाया गया है कि ये 18 जून 2024 को यहाँ पर रिलीज किया गया था। और इसके बाद में आप ये देख सकते हैं कि जो टेक्नीशियन की वैकेंसी थी वो 9,144 थी पहले और अब 30,365 कर दी गई है। और ये देख लीजिए आप, कौन कौन से जोन से कितने कितने बढ़ाई गई है। साथियों, ये नोटिस बिल्कुल भी जो ओरिजिनल नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डिजिटल सिग्नेचर है विद्याधर शर्मा के, जो डायरेक्टर हैं रेलवे के, तो यहाँ पे देख लीजिए आप, डिजिटल सिग्नेचर 19:47 पर किया गया था। और जो एलपी का नोटिफिकेशन था उसका डिजिटल सिग्नेचर भी फिक्स टाइम पर किया गया था। तो आपको पता ही है कि सिग्नेचर करने में कम से कम 10 से 15 सेकेंड का टाइम लगता है। और जो एलपी का नोटिफिकेशन में जो सिग्नेचर का टाइम है और जो टेक्नीशियन के नोटिफिकेशन के जो सिग्नेचर में टाइम है, दोनों में बराबर है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं बाकी का जो फॉन्ट स्टाइल है, प्लस में यहाँ पे जो टेक्नीशियन का जो फॉन्ट स्टाइल है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, उसके बाद में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, तो इसमें काफ़ी फ़र्क है। तो इस वजह से ये नोटिस है जो बिल्कुल भी सेफ नहीं है, बिल्कुल 100% फेंक नोटिस है। आप ऐसे नोटिफिकेशनों के चक्कर में ना आए। उम्मीद करता हूँ साथी आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और जो एएलपी का नोटिफिकेशन है वो बिल्कुल 100% रियल नोटिफिकेशन है, और जो टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन है मैंने आपको बताया है बिल्कुल 100% फेक नोटिफिकेशन है। तो ऐसे रियल नोटिफिकेशन के बारे में जानने के लिए और फेक नोटिफिकेशन के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल के साथ आप जुड़ सकते हो, क्योंकि रेलवे के बारे में ऐसी ताज़ा इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर मिलती है। और यहाँ पर तैयारी से संबंधित, टीचर से संबंधित, नोटिफिकेशन संबंधित, आपको रेलवे की सभी समस्याओं का समाधान इसी चैनल पर मिलता रहता है। मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट वीडियो और फुल वीडियो के माध्यम से बताता रहता हूँ। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए, अगर आप रेलवे की अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो और रेलवे के बारे में ज्ञान लेना चाहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ साथ ही आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न किसी टॉपिक पर। इतने के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।